गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैंने व्लॉग्स सुबह स्टार्ट कर दिया था, बट देन आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू कंटिन्यू। तो अब हम शुरू करते हैं व्लॉग, और मैं आज बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी चीज़ें खाने में। तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगी। मैं आपको बता दूँ मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। मैंने अभी छोले बॉयल कर लिए हैं और मैं छोले बना रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी। चावल का आई एम नॉट श्योर, बट रोटी बनाऊंगी। तो मैं थोड़ा यम्मी खाना बनाती हूँ, हमारा भी थोड़ा चीट मील हो जाएगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आने से पहले मैं अभी जाके छोटी सी पूजा करती हूँ शाम की। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कुछ ही मिनटों में। एंड सी, मैंने आपको दिखाया कल और स्टिल मैंने ये बेडशीट नहीं हटाई यहाँ से। मैंने बाकी के कपड़े जो इधर थे वो तो फोल्ड करके रख दिए, बट बेडशीट मैं भूल गई। तो पहले खाना बनाने से पहले हम इसको फोल्ड करेंगे आज। तो अब यहाँ मैं क्लीन करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने पिलो कवर पहले फोल्ड करे हैं, और क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये सब फोल्ड कर रही हूँ तो जो इसकी क्रीस होती है वो और भी ज़्यादा निकल के आती है। तो ये सब प्रेस से ही ठीक होता है। तो स्टिल मैं आई एम ट्राइंग कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से फोल्ड करूँ, एंड बेडशीट फोल्ड करना इज़ अनदर आफत। तो फाइनली ये एरिया हो गया है क्लीन और मैं बहुत रिलीव्ड हूँ। फाइनली कुछ साफ साफ लग रहा है, और स्पेशली वो सोफ़ा अब बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली अब मैं अपने छोले की करी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने छोले पहले से बॉईल कर उधर कुकर में रखे हुए हैं। यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ा जीरा डालूँगी इसके अंदर, और सिंपल बेसिक जो तड़का लगता है नॉर्मल छोले में, मैं वो ही तड़का कर रही हूँ। नौ प्याज डालने के बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। मतलब मैंने गार्लिक को चॉप करके डाला है, और फिर ऐसा दिखता है ये बाद में। मैं बहुत बुरी तरह इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट जस्ट रैंडम जो होता है छोले का तड़का, आई गेस वो ही तड़का है। अगर आपको डिटेल में चाहिए रेसिपी तो आई कैन मेक अ रेसिपी, सेपरेट रेसिपी वीडियो, बट ये सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक रेसिपी नहीं। तो बस ये अब मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें, और इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको ढककर रख कर फिर मेरा तड़का तैयार हो जाएगा। और फिर मैं सब चीज़ें, ये जो तड़का है इसको डाल दूंगी कुकर में, और उसके बाद मैं दो तीन सीटी और बजाती हूँ कुकर में ताकि वो अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए छोले में, तो ज़्यादा टेस्ट आता है। तो जब तक मेरे छोले तैयार होते हैं मैं किचन क्लीन कर दूंगी। अभी यहाँ पर मैं सब बर्तन क्लीन करूँगी क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कुछ लंच बॉक्स भी है, और ये कढ़ाई और आटे वाला बर्तन एंड स्टफ लाइक दैट, तो मैं वो सब क्लीन करूँगी। और साथ में मैंने वहाँ मूवी चला रखी है, तो क्वीन मूवी चल रही है, क्योंकि मैं बिना मूवी देखे या बिना गाना सुने कोई काम नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ आईपैड को रख देती हूँ और मूवी चलती रहती है या कोई शो चलता रहता है और मेरा काम होता रहता है, तो इससे मुझे पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ मेरे बर्तन क्लीन हो रहे हैं, और मैं साथ साथ किचन क्लीन, सिंक क्लीन, जो भी सब मेस हुआ है वो सब क्लीन कर दूँगी। तो वो इजी रहेगा मेरे लिए ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए भी, और रात में जब मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी तो भी एटलीस्ट किचन क्लीन होगी तो अच्छा लगता है। और अब मेरी किचन एकदम चमचमाती हुई हो रही है। वहाँ अभी बर्तन है जो मैंने क्लीन कर कर रखे हैं, जैसे ये सूख जाएंगे मैं इनको वापस अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। और मैं ये काम सुबह भी कर लेती हूँ तो इसमें कोई हरी नहीं है, एटलीस्ट क्लीन रखे हैं। और इधर मेरे छोले में अभी सीटियाँ बज रही है, तो मैं दो तीन सीटी लगाऊंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। छोले मेरे बनने वाले हैं, और मैं आलू नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आलू के लिए मना कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि उनका आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि कल उन्होंने आलू गोभी खाई थी तो आज उनको बिल्कुल भी मन नहीं है, और शायद थोड़ी लेफ्ट ओवर आलू गोभी पड़ी है, तो अगर उनका मन होगा तो वो खा लेंगे। और बाकी मेरे को चावल रखने हैं अभी, बट वो मैं अभी नहीं रखूँगी क्योंकि अभी एक डेढ़ घंटा है, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं रखूँगी
रखूंगी उनके आने से 20 मिनट्स पहले। तो मेरे पास ये राइस कुकर है, ये मैं इसमें बनाऊंगी चावल। तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा चावल बनाने के लिए, मैं सीधा बस चावल रख जाऊंगी, भिगो के मैं रख देती हूँ आधा घंटा पहले, ताकि वो थोड़े खिले खिले बने। वैसे ज़रूरी नहीं है, मैं वो भी नहीं रखती बिकॉज आई एम नॉट बिग फैन ऑफ चावल, तो मैं बनाती हूँ वो। और आटा मेरा रेडी है बनके, मैंने शाम के टाइम ही आटा करके रख लिया था ताकि मुझे इजी हो रोटी बनाना, क्योंकि जब मैं अगर साथ साथ आटा करके रखती हूँ तो फिर मुझसे रोटी नहीं बनती। तो मैं आटा भी अपना फ्रिज में रख दूंगी। तो छोले हो गए हैं तैयार और दिखने में तो बहुत यम्मी लग रहे हैं, अब पता नहीं टेस्ट में कैसे होंगे। सो यहाँ मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी रोटी की शेप एकदम गोल नहीं होती है, वो अपनी मर्ज़ी से कभी एकदम गोल हो जाती है और कभी टेढ़ी मेढ़ी होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन रोटी एंड इट डिपेंड्स ऑन आटा, तो मेरे हाथ में नहीं होता, कभी कभी एकदम परफेक्ट राउंड रोटी भी बनती है। बट सी मेरी रोटी सारी फूल रही है, सो मैंने टेस्ट पास किया, मुझे फाइनली रोटी बनानी आ गई है। सो डिनर इज़ फाइनली सर्व्ड एंड मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं और छोले है, सैलड है और उधर कैसरोल में रखी है रोटी। तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और अब वो डिनर इंजॉय करेंगे और मैं अपनी ग्रीन टी। डिनर मेरा तैयार हो गया है और अब मैं हटाने जा रही हूँ मेकअप। मैं छोले और चावल नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था मैं अपना डिनर 6 बजे कर लेती हूँ, जो कि बहुत लाइट होता है। तो इस टाइम तक अब मुझे आदत हो गई है, मुझे भूख भी नहीं लगती है इस टाइम तक, सो आई एम ओके विद इट। तो मैं अब अपना मेकअप हटाऊँगी और मैं 1 कप ग्रीन टी का पीऊँगी और मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं जब आप लाइक करोगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।